स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा की रसोई में। और आज हम लोग मछली के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, छोटी वाली मछली हमने ली है, जिसको हमने अच्छे से धुल लिया है, साफ कर लिया है अच्छे से इसको। और ये बेसन है, और ये मिर्च और लहसुन, इसको हमने पीस लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये बेसन, सबसे पहले हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर घर का बना हुआ है, हल्दी पाउडर, फूड कलर, और अब जो हमने मिर्च और लहसुन पीसा था उसको हम लोग डाल देंगे इसमें। उसको अच्छे से मिला लेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे अच्छे से मिला रहे हैं। तो अब ये हो गया है। तो जो हमने मछली है छोटी, उसको हम लोग इसमें डाल के इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। तो यहाँ देखिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये गरम हो गया है। तो अब हम लोग इसमें जो हमने बना के रखा था बैटर पकौड़ों का, तो उसको हम लोग डालेंगे। तो अब हम लोग इसको पलट देते हैं। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से। तो देख सकते हैं अभी हो गया है। तो हम लोग इसे निकाल लेंगे और भी जो है उनको हम लोग डाल के इसमें तल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे मछली के पकौड़े बनके तैयार हैं गर्मा गर्म। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होते हैं। तो आप लोग भी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यदि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद।